सर वीडियो स्टार्ट करने पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई नहीं होता किसी को बताने वाला किसी को यू को आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, राइट। मैं बस इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस या मैं जिन लोगों से यूके में मिला, राइट, उनके इंसिडेंट उनके एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेटर है क्या नहीं, राइट। मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ, राइट। मैं कोई नहीं हूँ कि आपको बोलूँ कि आपको जाना चाहिए आपको नहीं जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में, राइट, 1 लाख तक महीने का कमाते हैं तो आपको यूके माइग्रेट होना चाहिए, यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यार पहले तो मैं बात करूँगा कि दो तरह के लोग होते हैं, राइट। अगर आप सपोज़ 1 लाख पर मंथ आप एवरी मंथ कमा रहे हैं, राइट, उसके बाद भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। सो अगर यार मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं यूके आने के बाद काफ़ी लोगों से मिला हूँ, राइट। तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका पैकेज 1.5-2 लाख एवरी मंथ का था, पर मंथ मतलब इंडिया में 1.5-2 लाख कमाते थे, राइट, उसके बाद वो यूके आ गए वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे, एंड फिर अब वो रिग्रेट करते हैं कि हमें नहीं आना चाहिए था, राइट। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मतलब दो तरह के लोग होते हैं। अगर आप देखो 1-1.5 लाख कमा रहे हैं, राइट, एंड स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए सोच रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपको जॉब डायरेक्ट जॉब ऑफर हो रही है, राइट, जैसे सपोज आप इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड यूके में आपको डायरेक्ट कंपनी ऑफर कर रही है एंड अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है तो आप ज़रूर आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे तो मेरे हिसाब से कोई दुख नहीं बनता कि 1-1.5 लाख का पैकेज लेके छोड़ के मतलब आप यूके आओ एंड फिर जीरो से स्टार्ट करो। क्योंकि यार कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट, अकाउंटेंट है इंडिया में, मतलब उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन अभी उनके सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिली है। तो ये एक चीज़ माइंड में लेके चलना कि जॉब मिलना इतना सिंपल नहीं है यहाँ पे, राइट। आप सोच के आ जाओगे कि आपको वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, आपके पास स्किल सेट भी है, लेकिन अगर आपको उतना पैकेज ऑफर नहीं होगा तो आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे जॉब। एक फ्रेंड है मेरा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट, एंड इंडिया में उसका 1.5 लाख का पैकेज था। अब सीन क्या है ना, वो मतलब काफ़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहा है एंड काफ़ी कंपनीज उसको ऑफर कर रही हैं कि हमें ज्वाइन करो, लेकिन उसको वो पैकेज नहीं मिल पा रहा। इंडियन एक्सपीरियंस के बेस पर उसको पैकेज नहीं मिल पा रहा क्योंकि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी एक्सपेक्टेशन मतलब 70-80K pound एनुअल पैकेज की है एंड उसको इतना पैकेज नहीं मिल पा रहा, राइट। तो यहाँ पे भी चीज़ें मतलब ख़राब हो जाती हैं। कुछ कंपनीज आपका इंडिया का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं करती, राइट, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हैं इंडिया से यूके आने के लिए तो आपको सारे पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। सर मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि सपोज़ जैसे कि आप आने की सोच रहे हैं, राइट, आप स्टूडेंट वीज़ा पे मत आओ, 1-1.5 लाख का पैकेज है आपको ऑलरेडी, तो आप ट्राई करो लिंक्डइन के थ्रू या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कि आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर कोई आपको स्पॉन्सर कर दे 5 साल के लिए या डायरेक्ट आपका कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र हो जाए, वही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि यार बहुत टफ हो जाता है सिचुएशन कि आप मतलब वहाँ पे 1.5 लाख जितना भी कमा रहे हैं उसके बाद जीरो से स्टार्ट करो। यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में सपोज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं एंड यहाँ पे 2.5 लाख कमा रहे हैं तो इक्वली है, राइट। उल्टा इंडिया में आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं क्योंकि देखो यार इंडिया में आपके एक्सपेंसेस भी रुपीज़ में होते हैं, डॉलर या पाउंड में नहीं होते, तो यहाँ पे आपके खर्चे भी पाउंड में होंगे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इंडिया में यार आपका देखो रेंट का भी सॉर्टेड है, खाने का भी सॉर्टेड है, राइट, इतनी ज़्यादा पंगेबाजी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपका रेंट भी अगर मैं नॉर्मल रेंट भी लेकर चलूँ ना, तो अगर आप सेपरेट रूम में भी लंदन में रहेंगे तो 700-800 pound आपका एक रूम का रेंट जाएगा एवरी मंथ, 70-80 हज़ार रुपये, राइट, उसके बाद खाने का अलग ट्रैवल का अलग। तो ये चीज़ें भी ज़रूर कंसिडर करना, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1 लाख रुपये इंडिया में कमा रहे हैं, राइट, एंड अगर उसके यहाँ पे आप 3000 pound 3 लाख कमाएंगे तो कहीं ना कहीं इक्वल होगा, लेकिन अगर आप 2000 pound नहीं कमाएंगे 2500 कमाएंगे तो ज़्यादा मतलब इंडिया में ही आप सेव करोगे एज़ पर मी, राइट, यहाँ पे आपके ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा खर्चे। सर अगर मैं एडवाइस दूँ तो मैं ये एडवाइस दूँगा कि अगर 1-1.5 लाख महीने का कमा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे तो बिल्कुल ना आएँ, राइट। अगर आपको डायरेक्ट जॉब ट्रांसफ़र मिलती है तो आप ज़रूर आएँ, उसमें आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, राइट। सो इस टाइप की वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आप allaboutuk3@gmail.com पे मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।